से हमें एक डॉग के बारे में फोन आया जिसके गले में शिकारी का एक फंदा फंस गया था। गले में वायर बंधी हुई दिखी और पीछे वाले हिस्से में भी चोट थी। ऐसे मामलों में अगर डॉग जल्दी पकड़ा ना जाए तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जल्दी 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 चला भी नहीं जा रहा उससे, है नहीं चलने की हालत। पीछे से आ रही आपकी तरफ। पीछे खेतों में लगाते हैं ना लोग वायर ट्रैप, तो उसमें फंस रही है। तीन टांग है इसकी। हाँ, पहले वो टांग में फंसी थी ना, आप आए तो थे लास्ट टाइम। अच्छा, हमारे पास हुई है। नहीं, आपके पास नहीं है, आपको मिली नहीं थी वहाँ पे, फिर दार वाले लेके गए थे। एक बार पहले भी ऐसा ही एक शिकंजा इसके पैर में फंस गया था, उस समय हम इसको पकड़ नहीं पाए थे और जब तक एक और एनिमल रेस्क्यू ने इसको पकड़ा तब तक इतने दिन बीत चुके थे कि फिर इसका पैर बचाया नहीं जा सका। क्लच वायर है। मौके पे जो हमारी टीम ने तार काटी वो शिकंजे की लटकी हुई एक्स्ट्रा तार थी ताकि इसको हम सेफली अपने क्लिनिक ट्रांसपोर्ट कर सकें, लेकिन इसकी गर्दन की तार क्लिनिक जाके ही कटनी थी ताकि हम देख सकें कि इसका घाव कितना संजीदा है। पकड़े जाने और ट्रांसपोर्ट करने के दौरान ये इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि ये बहुत ही तड़फड़ा रही थी और हमारे लिए इसकी मदद कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके साथ आगे क्या हुआ वो बताने से पहले मैं आपको एक और ऐसे ही घोड़े की कहानी बताता हूँ जिसकी मदद कर पाना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो हमसे घबरा के भागे जा रहा था। दरबाना था यार। इस घोड़े के बारे में जब हमें कॉल आई थी तो हमें यही बताया गया था कि घोड़े को उन लोगों ने बांध रखा है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे घोड़ा भाग चुका था और अब हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस घोड़े को हम पकड़ेंगे कैसे। सामने वाले इसको पकड़ने के लिए हम डार्ट्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे गाय पकड़ने वाले डार्ट्स में जितनी दवाई आती है घोड़ों को बेहोश करने के लिए उसमें 3 गुना ज्यादा दवाई लगती है और ये कहां पे एक के बाद एक 3 डार्ट्स मारे जाने का इंतजार करता। हम सभी लोग उस घोड़े के पीछे भागे पर जिन्होंने हमें उस घोड़े के बारे में कॉल किया था घोड़ा आखिर उन्हीं के हाथ आया। कट लगा किसी से। इस घोड़े के कुछ घाव तो हमें साफ दिख रहे थे, इसकी 2 टांगों के ऊपर कुछ बड़े बड़े घाव थे जिसके अंदर अब कीड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन इस घोड़े के साथ एक समस्या और थी जिसको किसी ने सुलझाने का प्रयास तो किया था पर वो समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं थी। अभी ये डॉग बेहोश हो गई थी। हुआ ये था कि ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी कि ट्रीटमेंट के दौरान ये अपने आप को और हमें भी नुकसान पहुंचा सकती थी, तो हमने ही 15 मिनट पहले इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। जब हमारे डॉक्टर्स ने इसकी तार काटी तो हमने देखा कि लकीली इसके गले में कोई भी घाव नहीं था, सिर्फ हल्की सूजन थी। हाँ, इसके मुंह में छोटे घाव थे जो तार को काटने की वजह से हो गए थे और साथ ही साथ जहाँ पे इसकी पहले एम्पुटेशन हुई थी वहां पे एक घाव था, पर ये दोनों चोटों का इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो हम इसको अडॉप्ट कराने की कोशिश करेंगे और तब तक ये हमारी सैंक्चुरी में रहेगा। तो ये चोटें तो इसको खुद से लगी पर ये एक और क्रूरता का शिकार था जो बहुत से घोड़े खच्चरों के साथ होती है जहां पे उनका आगे वाला और पीछे वाला पैर आपस में बांध दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन जब इसको अबैंडन किया गया तो वो रस्सी खोली नहीं गई। किसी ने इसकी मदद करने के लिए एक पैर से तो रस्सी हटा दी पर एक पैर में रस्सी बंधी रह गई और कुछ समय तक वो बंधी रहती तो वहां पे भी घाव हो जाता या फ्रैक्चर भी हो सकता था। खैर, इंसान जिस तरह हर प्राकृतिक संसाधन का शोषण करता है उसी तरह वो जानवरों का शोषण करता आया है और आने वाले काफी समय तक शोषण करता भी रहेगा। पर हाँ, अगर हमारे जीने की वजह से जानवरों के साथ इतनी क्रूरता होती है तो ये हमारे हाथ में है कि हमारे जीने की वजह से उनकी थोड़ी मदद भी हो।